पास आ रहे हैं राजकुमार और राजकुमारी। चंद्रकांत और वीरेंद्र के बीच बढ़ रही हैं नजदीकियां। जी हाँ, टीवी सीरियल चंद्रकांता में बना हुआ है रोमांटिक माहौल। बता दें, दरअसल हुआ यूं है कि वीरेंद्र को लग जाती है चोट और चंद्रकांता उनका दर्द देख नहीं पाती और लगाने लगती है उनके घाव पर मरहम। बस फिर क्या, साथ बैठे बैठे बातें करने लगते हैं दोनों और आ जाते हैं एक दूसरे के करीब। ये खाना बदोश का जख्म है राजकुमार जी। वैसे भी आज तक मुझे किसी ने इस तरह से मरहम नहीं लगाया। अपने माँ के गले लग जाता हूँ, उनकी गोद में बैठ जाता हूँ, सारे जख्म यूं ही भर जाते। दोनों के बीच बातें हो ही रही होती है कि इस दौरान राजकुमार वीरेंद्र उठा देते हैं राजकुमारी चंद्रकांता के गुस्से पर सवाल। इसी बात से राजकुमारी हो जाती है नाराज और करने लगती है गुस्सा। नहीं नहीं, गलती तो हमारी है, हमें ही बात करने का तरीका नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर हम भड़क जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। इतना ही नहीं, दोनों के बीच एक खट्टी मीठी नोकझोंक होती है और राजकुमार चंद्रकांता के गुस्से को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वैसे राजकुमारी, शायद आप अभी भी चिल्ला ही रही हैं। हाँ, हम चिल्ला रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमें गुस्से है, तुरंत मिजाज बिगड़े राजकुमारी है, यही सुनना चाहते थे ना? राजकुमारी, अब आप क्या सुनना चाहती हैं? खैर, रात बहुत हो चुकी है, आप जाके आराम कीजिए और घबराइएगा नहीं, मैं कक्ष के बाहर पहरा दे रहा हूँ। शुभ रात्रि। आइए बात करते हैं चंद्रकांता और वीरेंद्र से और जानते हैं पूरा मामला। वीरेंद्र को काफी जख्म दिए हैं चंद्रकांता ने, तो वो चक्कर है और भरपाई कर रही है अपनी गलतियों की। इतनी बार जब वीरेंद्र चंद्रकांता की जान बचा चुका है तो आई थिंक इतना तो वो कर ही सकती है, थोड़ा कुछ भाव पे मरहम तो लगा ही सकती है। ऑल्सो इट्स अ नाइस मोमेंट बिटवीन द टू, दोनों की कुछ बातें होती हैं एक दूसरे के बारे में, वो थोड़ा सा और जान पाते हैं एक दूसरे को। अभी तक वो जब भी मिले हैं सबके बीच में मिलते हैं और जी मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, या तो वहां लड़ाई हो रही होती है या कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, बट दिस वाज अ मोमेंट, अ क्वाइट नाइस लेट नाइट मोमेंट बिटवीन द टू, जहां वो दोनों बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे कहने की अगर तुम चंद्रकांता एक दूसरे आप दोनों जान रहे हो और कहीं ना कहीं माँ की भी बात आती है, चंद्रकांता थोड़ी बहुत इमोशनल रहती है वहाँ पे। वो एक्चुअली बात ये है कि पिछले सीन में ये एक अचार खा रही है जो इनकी माँ ने डाला था, तो वीरेंद्र पूछता है कि अचार किसने डाला, तो कहती मुझे माँ की याद आ गई, है ना? घाव इनके दिमाग पे भी लगा है, उस पर मरहम अभी नहीं लगा पाए हैं अभी तक। बट वी ऑल नो कितनी अटैच है चंद्रकांता अपनी माँ से और वो उनकी फोटो को लेकर कई बार देखा है इन द एपिसोड नॉट द फोटो बट पोर्ट्रेट, कि वो कई बार उनसे बातें करती है। सिमिलरली वीरेंद्र का भी एक मदरलेस चाइल्डहुड रहा है, तो वो एक कॉमन बात है उन दोनों के बीच, जो शायद एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं थे, पर आज बातों बातों में वो बात निकल आती है और एक वॉइड है जो दोनों ने फील किया है अपनी माँ का, वो थोड़ा सा एक इमोशनल सा मोमेंट है। दोनों एक दूसरे के बारे में मतलब उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो ये एक वो सीन है जहाँ पे वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं और दोनों ही अपना गार्ड नहीं ड्रॉप कर रहे, दोनों चाहते हैं एक दूसरे के बारे में जानना लेकिन दोनों ही शो नहीं कर रहे हैं और बातों बातों में जितना भी मतलब कुछ जान पाते हैं, पर उसके बाद जैसे रियल लाइफ में भी होता है कभी कभी सिचुएशन कहीं से कहीं स्पाइरल हो जाती है और उनकी एक तू-तू-मैं-मैं हो जाती है। जी, जैसे इनके लड़ाई हो जाती इनके है। सवाल का हम कहाँ से कहाँ, ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में भी बहुत होता है, आई हैव टू एडमिट दिस इज अ वेरी रियल सीन। या जी, थैंक यू, बाय। अब इन दोनों को देख के तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के दिल मिल रहे हैं। NMF News की रिपोर्ट।